सर्दियों में हरी मटर खूब आती है और सस्ती भी मिलती है, तो अगर हरी मटर का नाश्ता नहीं बनाया तो कुछ भी नहीं बनाया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हरी मटर का बहुत ही टेस्टी, मजेदार और क्रिस्पी नाश्ता। समोसे कचौड़ियाँ भी भूल जाएंगे जब एक बार आप इसे बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और ये मैंने ले ली है आधा कप फ्रेश मटर। तो आजकल मार्केट में काफ़ी सॉफ्ट नरम मटर आ रही है तो ये काफ़ी जल्दी बॉयल हो जाती है, तो यहाँ पर सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे और ये मटर जो है अच्छे से उबल जाएगी। तो चलिए मटर जो है बॉयल हो चुकी है तो हम गैस को बंद कर देते हैं और एक बार ही आप चेक कर लीजिएगा कि मटर दबाने से इस तरह से मैश हो रही है या नहीं। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है, इतनी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। तो इस मटर को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हमने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा और ये मैंने 1/4 कप ले लिया है मैदा। वैसे आप चाहे ये रेसिपी पूरी तरह से मैदा से भी बना सकते हैं, ये पूरी तरह से गेहूं के आटा से भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और इसमें हम डाल देंगे 2 छोटी चम्मच तेल मोइन के लिए, इससे हम जो स्नैक्स बनाने वाले हैं ना बहुत ही खस्ता बनेगा, उसकी जो पपड़ी होगी ना वो एकदम खस्ता रहेगी। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से हम आटा में मिक्स करेंगे ताकि तेल है ना पूरे ही आटा में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा लगाएंगे। इसका आटा आपको लगाना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल मीडियम आटा इसको आपको लगाना होगा। तो चलिए हम फटाफट से आटा गूंद लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने आटा लगा करके तैयार कर लिया है और आटा को आप ध्यान से देख लीजिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। मैंने बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट भी नहीं रखा और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं किया है। अब इसको हम 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो मटर हमने बॉईल की थी ना वो ठंडी हो चुकी है, तो इस मटर को ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम एक मिक्सिंग बाउल में और इसको हम क्या करेंगे, हाथों की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो मैशर की हेल्प भी ले सकते हैं, बट मटर इतनी नरम हो जाती है बॉयल होने के बाद कि ये हाथों से ही बहुत आसानी से मैश हो जाती है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने मटर को मैश कर लिया है और बिल्कुल हमें इसको दरदरा टाइप का रखना है, एकदम फाइन इसका पेस्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको मिक्सी में ग्राइंड नहीं किया है, हाथों से ही मैश किया है। कुछ इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने रखी है कढ़ाई और इसमें हम 1 छोटी चम्मच डालेंगे तेल। तेल को हम बढ़िया से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा और ये मैंने ले लिया है बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ लहसुन, दोनों को ही हम डाल देते हैं और हल्का सा हम इनको फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की ली थी जिसको हमने मोटा मोटा कट कर लिया है। प्याज को भी हम हल्का सा सॉटे कर लेते हैं। याद रखिए हमें यहाँ पर प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल क्रंची ही रखना है, बिल्कुल हल्का सा ही सॉटे करेंगे। सॉटे करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल 2 चुटकी के करीब मैंने हल्दी पाउडर लिया है, ऑप्शनल है हल्दी डालना। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी है और ये मैंने एक स्पेशल मसाला लिया है, अगर आपके पास ये है तो ज़रूर डालिएगा। ये मैंने लिया है 1/2 चम्मच बिरयानी मसाला, ठीक है, बहुत ही चटपटा मज़ेदार फ्लेवर आएगा। और हाँ, अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पाव भाजी मसाले का इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी ना हो तो एक ऑप्शन और भी है, आप यहाँ पर छोला मसाला डाल सकते हो। ये सभी मसाले बहुत ही हार्ड होते हैं और बहुत ही एक्स्ट्रा फ्लेवर देते हैं मसालों का, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और सभी मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लो फ्लेम पर ही आपको मिक्स करना है ताकि मसाले जले ना। और अब हमने जो अपनी मटर मैश करके रखी थी ना, इस मटर को हम डालेंगे और मटर को भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे मसाले के साथ और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसी तरह से भून लेंगे। मटर को हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि मटर का अपना एक नेचुरल फ्लेवर होता है, ठीक है, बहुत टेस्टी लगती है मटर, तो इसीलिए हमें इसको हल्का सा ही फ्राई करना है ताकि इसकी मिठास ख़त्म ना हो। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने मटर को हल्का सा भून लिया है, अब इसमें जितना मॉइस्चर था ना वो भी ख़त्म हो गया है
और मटर हल्की सी भुन चुकी है। अब इसमें हम एक स्पेशल चीज़ डालेंगे जिससे इसके स्वाद में चार चांद लग जाएंगे। ये मैंने ले लिया है थोड़ा सा पनीर, तो गैस को बंद कर देना है और ऊपर से पनीर को मिलाना है, ठीक है। पनीर को हमें यहाँ पर पकाना नहीं है, कच्चा ही इस्तेमाल करना है। तो बस थोड़ा सा पनीर हम ऊपर से ग्रेट करके डाल देते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। आप यहाँ पर पनीर की जगह अगर चीज़ पसंद करते हो, जैसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों को चीज़ ज़्यादा पसंद होता है, तो चीज़ भी ग्रेट करके डाल सकते हो। तो चलिए फटाफट से पनीर को भी हम मिक्स कर देते हैं। अब हमारी मटर की बहुत ही टेस्टी, चटपटी, मज़ेदार सी फिलिंग बन करके है बिल्कुल तैयार। ये मटर की फिलिंग इतनी टेस्टी लगती है कि अगर आप इसको सूखा भी खाएंगे ना, तो सच मानिए आपको लगेगा पूरी की पूरी फिलिंग सूखी ही खा जाऊं, इतनी टेस्टी लगती है। फिलहाल हमें सूखी नहीं खाना है, हमें इसका अपना स्पेशल स्नैक्स बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे जरूर दबा दीजिएगा। और पसंद ना रही हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कर जरूर दीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। अब फ्रेंड्स, हमने ये जो आटा गूंथ के रखा हुआ था ना, इसको वापस से एक बार हम मसल करके रोल बनाएंगे और इसकी छोटी छोटी सी लोइयां कट कर लेंगे। अब इसकी लोइयां कितनी रखनी है, नॉर्मली जितनी हम पूरी पराठे के लिए लोई के साइज़ रखते हैं ना, बस उतनी रखना है। और सभी लोइयों को हमें क्या करना है, हल्का सा चपटा करके, यानी कि इसके पेड़े बना करके तैयार करके रख लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लोई को लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा परथन डस्ट करेंगे। तो ये मैंने परथन में गेहूं का आटा ले लिया है। अब हम इसको बेलन से बेलेंगे, तो इसे हमें ना एकदम पतला बेलना है। जितनी रोटी पतली होती है ना, उससे भी आपको ज़्यादा पतला इसको बेलना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा रख रहे हैं और इसको पतला बेल रहे हैं। और देखिए, मैंने इसको एकदम गोल शेप में बेल लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस कितनी रखनी है, क्योंकि अगर आप मोटी थिकनेस करेंगे ना तो खाने में उतने अच्छे नहीं लगेंगे। देखिए मैंने इसको कितना पतला रखा है, रोटी से भी ज़्यादा पतला कर दिया है। तो इसी तरह से आपको इसको बेल लेना है। अब हम इसको रखेंगे और अब हमने अपनी जो मटर की पनीर की फिलिंग बनाई थी ना, इस फिलिंग को हम 1 से 2 चम्मच इस रोटी के ऊपर फैलाएँगे। तो किनारे पर आपको थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए इसको इस तरीके से रखना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब आपको क्या करना है, एक कटोरी में थोड़ा सा लेना है पानी और इसमें 1/2 चम्मच गेहूं का आटा या मैदा डाल करके इसका पतला सा घोल तैयार कर लेना है। अब इस घोल को चम्मच की मदद से या कोई कॉटन ले लीजिए, उसकी मदद से इस तरह से किनारे पर लगाना है। इससे ये नाश्ता बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। और बस अब इस किनारे को उठा करके इसको फोल्ड कर देना है और किनारे से अच्छे से इसको उंगलियों की मदद से चिपका देना है। तो इस घोल की वजह से ये बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं, बिल्कुल भी चांस नहीं होते इसके खुलने के। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से चिपका लिया है। अब हम लेंगे एक चाकू और चाकू की मदद से इस तरीके के इसमें कट्स लगाएंगे। बिल्कुल आखिरी तक नहीं लगाना है, बिल्कुल इसके सेंटर पर, बीचों बीच दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए लगाना है। ये देखिए मैंने कुछ कट्स लगा लिए हैं, जितने आसानी से बन गए। अब क्या करेंगे, हम किनारे पर इस तरफ भी थोड़ा सा घोल लगा देंगे। अब ये जो मटर की फिलिंग हमने चिपकाई थी ना, फोल्ड किया था, तो इसको वापस से हम उठाएंगे, फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हल्का सा हम इस तरह से इसको किनारे पर दबा देंगे। और ये देखिए जो एक्स्ट्रा का पोर्शन निकला हुआ है ना, इसको हमें उल्टा करके चिपका देना है इस तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा के पार्ट दिख रहे हैं ना, इसकी एजेस वो इवेनली हो जाएंगी और इसका शेप देखने में अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा पानी लगा दीजिएगा जो घोल बनाया था, इससे ये अच्छे से चिपके रहेंगे। तो इस तरफ भी हम थोड़ा सा घोल लगा देते हैं ताकि यहाँ से बिल्कुल निकले ना। और ये देखिए हमने दोनों तरफ से इनको फोल्ड करके चिपका दिया है और देख सकते हो कितना प्यारा सा इनका शेप बनके तैयार हो गया है। थोड़ा सा आप नीचे की तरफ कर दीजिए ताकि हमने ये जो कट्स लगाए थे ना, ये थोड़ी से फैल जाए और डिज़ाइन हमारी बहुत ही बढ़िया उभर के। तो इसी तरीके से मैं आपको 1-2 स्नैक्स को और भर के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, फिर से याद करा दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे जरूर दबा दीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाइएगा। बगल में बेल आइकन दिया गया है, उसे भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेंगे। और फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर हमें फॉलो करें। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान है, बस फिलिंग को भरना है
और इसको फोल्ड करना है, किनारे पर पानी लगाना है और फिर से इसको फोल्ड कर देना है। और दूसरी तरफ भी हल्का सा ये जो घोल बनाया था इसको लगा करके दोनों हिस्सों को मोड़ देना है ताकि डिज़ाइन बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ जाए। ये देखिए कितनी प्यारी सी डिज़ाइन हमारे स्नैक्स की निकल के आई है। तो इसी तरह से हम सभी स्नैक्स को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लग रही है ना बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का नाश्ता आज का बनने वाला है। अभी तलने के बाद देखिएगा ये कितना खूबसूरत लगेगा। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है आपको, और बस पैन में हम एक एक करके सभी स्नैक्स को डालेंगे। तो जितने आसानी से बन जाते हैं उतने ही हम एक बार में डालेंगे। अब हमें इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से सिकने देना है, ठीक है। इनको ना हमें जैसे समोसे वाले समोसे सेकते हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, धीमी आंच में धीरे धीरे सेकते हैं, वही चीज़ हमें करनी है, ठीक है। तो इससे ये अंदर तक कच्चे नहीं रहेंगे, बहुत अच्छे से सिक जाएंगे। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर तेल भी डाल सकते हो। तो जैसे ही आप तेल डालोगे तो ये एकदम फूल जाएंगे, इनकी जो ऊपरी स्किन है ना एकदम फूल जाती है गुब्बारे की तरह। चलिए तो अब ये नीचे की तरफ बढ़िया सिक चुके हैं, तो इनको हम एक स्पून की या फोक की मदद से पलट लेते हैं और इनको बढ़िया से उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से गोल्डन सेक लेते हैं। तो यहाँ पर इनको सेकते हुए मुझे लगभग 5 से 7 मिनट का समय आराम से लग गया है, और आप देख सकते हो कितना प्यारा इनका कलर आ गया है। थोड़ा सा मैंने इनको ज़्यादा ही सेका है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे लगें। और आप देख सकते हो कितनी प्यारी इनकी डिज़ाइन आई है और बहुत ही प्यारे ये देखने में लग रहे हैं। आप इसको पास से देखिए कितनी उभर के, जितने भी हमने कट्स लगाए थे ना कितने उभर के आए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सिक चुके हैं। तो चलिए भाई अब हम इसको फटाफट से निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल तैयार है हमारे हरे मटर का नाश्ता। आपने हरे मटर की कचौड़ियाँ पराठे तो कई बार खाए होंगे, लेकिन इस तरीके का नाश्ता पहले कभी नहीं बनाया होगा। एकदम देखने में यूनिक, खस्ता करारा करारा, बहुत ही स्वादिष्ट। आप जिसे भी सर्व करेंगे ना तो भाई पूछेंगे जरूर कि आखिर आपने इसको बनाया कैसे है। खाएंगे तो बाद में, पहले पूछेंगे, और जब खाएंगे तो आपकी तारीफ ही तारीफ करेंगे। चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि ये बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने खस्ता बने हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना क्रिस्पी है, और तोड़ने पर आप देख सकते हो कितना खस्ता बना है। यही इसकी स्पेशलिटी है, बहुत ही टेस्टी भाई ये स्नैक्स बना है। तो आप भी इस स्नैक्स को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे वैसे तो सूखा ही खा सकते हैं, लेकिन साथ में अगर टोमेटो केचप या कोई भी मीठी चटनी रख लेंगे ना तो इसके स्वाद में 4 चांद लग जाएंगे। तो भाई मैं तो इसको सर्व कर रही हूँ टोमेटो केचप के साथ। अब मुझे तो लगी है बहुत तेज़ी से भूख, मैं तो चलिए इसको खाने। आप कब बना रहे हैं ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत अच्छा बना है फ्रेंड्स। खास बात पता क्या है, इसकी जो लेयर है ना ऊपर की बड़ी खस्ता बनी है, और अंदर बढ़िया मजेदार सी फिलिंग है हरे मटर की, और पनीर हमने मिलाया था ना जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और देखने में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब जब आप सर्व करेंगे ना यार इसको किस फ्रेंड्स को या मेहमानों को, तो कितना अच्छा लगेगा देखने में, है ना। बहुत ही यूनिक टाइप का है। तो भाई मटर की पराठे कचौड़ियाँ भी बनाई होंगी, लेकिन ये रेसिपी ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। बिल्कुल नया क्रिस्पी मज़ेदार स्नैक्स, सच मानिए मुझे तो बहुत पसंद आया। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सर्दियों में ये नहीं बनाया तो क्या बनाया। तो आई होप आपको आज का वीडियो, आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छी अच्छी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।